आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए याद किया है और जो जिम्मेदारी है वो साइंटिफिक कम्युनिटी की और डॉक्टर्स की तो है ही इस विषय पे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं किस प्रकार से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है, सेप्सिस की अगर बात करें तो सेप्सिस आप समझ सकते हैं जो इन्फेक्शन होते हैं, चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो या कोई पैरासाइट्स हो, इससे जो आगे की जो स्टेज है वो सेप्सिस की है, माने ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन आता है उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। और ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि जो मौत है वो मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें दुनिया भर की तो 5 करोड़ लोग, पूरी दुनिया भर में 5 करोड़ लोग हर वर्ष इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। और मौत का आंकड़ा अगर बात करें तो इसमें 20-25% लोग इसमें मौत की जद में आ रहे हैं। 1,10,00,000 की मौत प्रतिवर्ष इस बीमारी की वजह से हो रही है, इन बीमारियों की वजह से हो रही है जो सेप्सिस कॉज कर रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की अगर स्थिति को देखें या हमारे जैसे और डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक का दुरुपयोग आप देखेंगे, जुकाम हुआ एंटीबायोटिक ले ली, किसी केमिस्ट ने बता दिया एंटीबायोटिक ले ली, घर में बची हुई एंटीबायोटिक पड़ी हुई है एंटीबायोटिक खा ली, या कोई ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं देश में जहां पर आप देखेंगे कि लगातार उनको दुरुपयोग इतने लेवल का हो रहा है कि महंगे इंजेक्शंस, बड़े जो हाई एंड जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ये एक वेपन की तरह हैं, हथियारों की तरह हमारे पास हैं, जिनको कि हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो भी थ्रेट्स हैं इनके अगेंस्ट हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अंधाधुंध दुरुपयोग हमारे देश में ही नहीं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि एक तो जो आम जनमानस हैं जो अपने आप दवाई खा रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है और आधी अधूरी खा रहे हैं, आधी अधूरी डोज खा रहे हैं और जो ड्यूरेशन है वो भी आधा अधूरा कर रहे हैं, माने जो पूरा कोर्स जो प्रेस्क्राइब्ड है वो कोर्स नहीं कर रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे खा रहे हैं। तो ये एक साधारण दवाइयाँ नहीं हैं कि पैरासीटामोल है, बुखार की दवा है, खा लीजिए। एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट हथियार हैं जिन जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। छोटा सा इन्फेक्शन भी धीरे धीरे ऐसा रूप ले रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, क्योंकि आधे अधूरे इलाज की वजह से रेजिस्टेंस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं क्योंकि उसको पूरी ताकत से हम लोग नहीं मार रहे हैं, या पूरी ताकत से अगर नहीं मारते हैं तो उसके अंदर बदलाव होता है, वो अडेप्ट करता है, क्योंकि जिंदा उसे भी रहना है, उसे जीवित रहना है, तो वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसी प्रकार से जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है, ये ग्लोबल इश्यू है। हमारे जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं इससे चिंतित हैं, और 2012 से ये स्थापना हुई कि सेप्सिस को लेकर के, इन्फेक्शंस को लेकर के हम लोग इस तरह का सिस्टम तैयार करें जहाँ पर जो उपयोग है वो ज्यूडिशियस तरीके से हो, विवेकपूर्ण तरीके से इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग होना चाहिए। जैसा आप देखते हैं कि प्रतिरक्षा की अगर बात करें तो डिफेंस, अगर कंट्री की डिफेंस की बात करें तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक
छोटे से एक आदमी को मारने के लिए तोप चलाएंगे या अपनी पूरी सेना को रवाना कर देंगे। जो पिस्टल से मारा जा सकता है उस पर हम तोप नहीं चलाएंगे। इसी प्रकार से जो एंटीबायोटिक्स छोटी एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, या हम कहें कि जो एंटीबायोटिक्स हमारी प्राइमरी तौर पे उपयोग होनी चाहिए, सस्ती हैं, उनकी बजाय महंगी एंटीबायोटिक्स, लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, उनका दुरुपयोग लगातार हम लोगों के बीच में हो रहा है। आपके माध्यम से मैं एक यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को दें कि हमारे जो जनमानस हैं वो अपने आप एंटीबायोटिक ना खाएं, जो हमारे नॉन क्वालिफाइड हैं, जिनको आप लोग झोला छाप भी कहते हैं, उनसे भी हम लोग आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अंधाधुंध तरीके से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो वही स्थिति होगी कि जब कोई दवाई नहीं थी, एक प्री एंटीबायोटिक एरा की अगर हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि आपको बीमारी होगी लेकिन कोई दवाई नहीं बचेगी। इसलिए नहीं बचेगी कि जो इन्वेंशन है, नई दवाइयां हैं, वो लिमिटेड हैं, कम आ रही हैं, कम इन्वेंशन हो रहे हैं और रेजिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो इतनी बड़ी तादाद में 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष, आप सोचिए कौन सी बीमारी ऐसी है जो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को, आपने कोविड का देखा है, कोविड की मौतों का आपको आइडिया होगा, अंदाजा होगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें प्रतिवर्ष सेप्सिस की वजह से दुनिया भर में हो रही हैं, और जिनमें से लगभग अगर बात करें 30 लाख मौत की तो हमारे देश में हो रही हैं, प्रतिवर्ष हो रही हैं। कोविड की मौत का अगर आंकड़ा आप देख लीजिए तो मुझे लगता है कि 2 साल में जाकर के शायद इतनी मौतें हुई होंगी, 60 लाख, 50 लाख, 70 लाख, लेकिन ये हर साल हो रही है। कोविड से हम लोगों ने कितनी तैयारियां की कि उसको हम कॉम्बैट करें, लेकिन जिससे हर वर्ष इतनी मौतें हो रही हों उस तरफ हम लोग कितनी तैयारी के साथ सामने आ रहे हैं, इसका हम लोग कितना तेजी से इसको रख पा रहे हैं जनमानस के सामने, किस तरह से हम लोग अपनी बात को, जो अंतिम लोग हैं जो लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, उन तक हम अपनी बात कह पाएं कि ये एंटीबायोटिक साधारण दवाइयां नहीं हैं, इनका दुरुपयोग रोकना होगा। और जब तक विशेषज्ञ की राय नहीं हो, जब तक विशेषज्ञ ना कहें, तब तक एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सेप्सिस के मामले तो रेस्पिरेटरी से होते हैं, लंग्स की वजह से होते हैं। नंबर 2 पे अगर बात करें तो यूरोसेप्सिस होती है, पेशाब के रास्ते की सेप्सिस होती है, वो नंबर 2 पे है, बड़ी तादाद में है। मुझे लगता है कि 25 से 30% जो मामले हैं वो यूरोसेप्सिस के हैं, लगभग 35 से 40% मामले रेस्पिरेटरी लंग्स की वजह से हैं। माने ये 100 की अगर बात करें तो 100 में लगभग लगभग 70-80% मामले इन दो वजह से हैं, 70% तक के। तो इसलिए मैंने प्रोफेसर अपुल गोयल साहब हमारे बीच में हैं, यूरोलॉजी के बहुत ही रेनाउंड प्रोफेसर हैं हमारे बीच में, हमारे साथ हैं आपसे बात करने के लिए। रेस्पिरेटरी पे हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं उनको। वो आगे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी के सेप्सिस पे। अभी क्योंकि सर को कहीं जाना भी है, क्लास भी है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आप अपनी बात। नहीं, आप डॉक्टर वेद ने काफ़ी बैकग्राउंड आपको दे दिया है, काफ़ी जानकारी दे दी है, कंसेप्ट क्या है, सेप्सिस किसको कहते हैं और कंसर्न क्या है। हमारा कंसर्न जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर है। सेप्सिस क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो स्वाभाविक तौर पे सब जानते हैं कि भाई इसका इलाज एंटीबायोटिक के तौर पे होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, अप्रोप्रिएट यूज, कि किस इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक उपयुक्त है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही इलाज होता है। पहला मेरा वैसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप लोग के मन में अगर कुछ है सवाल तो कृपया पहले वो पूछ लें हमसे।
नहीं देखिए ऐसा है कि ये निर्भर ये करता है कि सेप्सिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए जो सेप्टिसीमिया जो डॉक्टर ने बताया वो तो जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है सारे अंगों को असर करने लगता है, किडनी पे असर करने लगता है, लिवर पे करने लगता है, दिमाग पे करने लगता है, तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसका साइट ऑफ ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, जैसे डॉक्टर ने बताया 70-80% सेप्टिसीमिया के अगर केसेस लिए जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ओरिजिन यानी कि लंग इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से इन्फेक्शन अगर वो हो रहा है तो ये दो सोर्स हैं। तो नेचुरली अगर किडनी के का माध्यम है इन्फेक्शन होने का, तो क्योंकि किडनी की लोकेशन आमतौर से कमर की तरफ होती है, तो यहाँ पे कमर में दर्द होना, हाई ग्रेड फीवर आना, पेशाब में जलन होना, ये इनिशियल तौर पे होता है। देखिए मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन, खासतौर से अगर फीवर आने लगे और कमर में दर्द है और कोई रिस्क फैक्टर है, एल्डरली है, डायबिटिक है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा होता है जो वल्नरेबल ग्रुप है, ऐसे लोगों में खासतौर से अगर इलाज मतलब अनसुपरवाइज्ड है या सेल्फ मेडिकेशन टाइप का अगर है तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। यंग आदमी है और कुछ उसको कुछ अंदाज है, अगर हेल्दी है अदरवाइज, और वैसे हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के, तो मतलब विल नॉट रिकमेंड पहली चीज। सवाल वैसे आपने क्या पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या सेल्फ मेडिकेशन विल नॉट रिकमेंड? नहीं घातक तो देखिए ऐसा है कि अगर उसने देखिए एंटीबायोटिक अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होते हैं, हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक क्लासिफिकेशन होता है। और बल्कि क्या होता है कि वैसे क्या होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसे तो सिम्टम के बेस पे और एक हम लोगों को नॉलेज होती है कि कम्युनिटी में कौन से बैक्टीरिया आमतौर से होते हैं और वो किस एंटीबायोटिक पे असर कर, मतलब कौन से एंटीबायोटिक उनके लिए अप्रोप्रिएट है। तो हम लोग फर्स्ट लाइन कई बार कल्चर कराते भी नहीं है कि ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बैक्टीरिया और किस एंटीबायोटिक के लिए वो उचित है मतलब। लेकिन क्या हो गया है ग्रेजुअली, अब क्या हो गया है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखिए ऐसा होता है, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है कि वो घर पे था और इन्फेक्शन हो गया उनको, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो वो तो खैर अलग चीज है, एक अलग ग्रुप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर पे रह रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर्स को मोटे तौर पर ये अंदाज होता है कि कौन सा बैक्टीरिया रहा होगा, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है। दूसरा हम लोगों को एक ही अंदाज होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इस पर असर करेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है इतना रैम्पेंट यूज है, इतना अंधाधुंध यूज है कि अब कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी हम रेजिस्टेंस देखते हैं। मतलब वो पहली बार आया, उस बेचारे ने कभी एंटीबायोटिक नहीं खाया, हमने कहा कि यूरिन का कल्चर करा के लाइए, जब हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो पता चला आधी एंटीबायोटिक ऑलरेडी रेजिस्टेंट है वो बंदा, वो पहले से ही उसका इन्फेक्शन ऐसा है कि वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी। तो इसलिए कभी कभी हम लोग को क्लिनिकल पिक्चर देखकर समझना पड़ता है और शुरू में ही कल्चर करा लेना पड़ता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक तो हम लोग, या तो हम लोग को एक्सपीरियंस है, मान लो कि अगर कोई पेशेंट आया और हम सोचते हैं कि चलो फर्स्ट लाइन ड्रग्स शुरू कर दें, तो वो शुरू कर देते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहेंगे। देखिए अभियान चलाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आज का जो मुद्दा है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, ये जो ग्लोबल सेप्सिस अलायंस है दुनिया भर का, उन्होंने वर्ल्ड सेप्सिस डे 13 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। ये अवेयरनेस के लिए ही है, हमें ये बताने के लिए है कि कितना जुडिशियस तरीके से इसका उपयोग किया जाए। और ये डे 2012 से ही शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी चुनौती बढ़ती जा रही है कि हमें इस तरह से सामने आना पड़ रहा है कि हम लोग इन एंटीबायोटिक्स को बचाएं जो कि हमारे लिए बहुत प्रेसियस हैं। एक एक एंटीबायोटिक की जो खोज है, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद एक एक एंटीबायोटिक आई और दुरुपयोग करके हम लोग इस तरह की स्थितियां खड़ी कर रहे हैं कि अब वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर रहे हैं, तो ये दुरुपयोग से हो रहा है। चाहे क्वैक की बात हो, झोला छाप लोग दुरुपयोग करें इसका, चाहे सेल्फ मेडिकेशन की बात हो, हमारे लोग खुद इन दवाइयों को खाएं, या फिर हमारे जो केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, आधा इलाज वो भी करते हुए दिखाई देंगे आपको। हमारे देश में तो ये जो इलाज है कोई भी कर लेता है, घर के नुस्खे से शुरू होता है, नीम हकीम तक जाते हैं, फिर ताबीज वाले,
गंडा वाले उस तरह के, फिर वहां पे जाते हैं, इसके बाद झोला छाप पे पहुंचता है आदमी, इसके बाद कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर पे पहुंचता है। और हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं तो यहाँ तो आने में ही लोग बहुत समय लगा देते हैं, तब तक गंभीर हो जाती हैं बीमारियां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव इसी वजह से है, हम लोग अगर आपको याद किए हैं तो इसी वजह से याद कर रहे हैं कि इस कैंपेन को चलाना है आपके माध्यम से कम साल में एक बार तो हम लोग इस मैसेज को देते हैं। हर वर्ष हम लोग इस इनिशिएटिव को लेकर के जो दुनिया भर की चिंता है वो अपने लोगों को बताते हैं कि इसका दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा, आप पे ये दवाइयाँ कल को काम नहीं करेंगी, जब आपको आवश्यकता होगी सबसे ज़्यादा इसकी, जब आपकी जान बचाने की नौबत आएगी, जब आप आईसीयू में होंगे, जब आप वेंटिलेटर पे होंगे, तो दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी आपके ऊपर, ये कहना है सर। कुछ लोगों में महीनों तक एंटीबायोटिक चलती रहती हैं, उसका भी एक ड्यूरेशन है, वहीं तक चलाना है, डोज उसकी पर्टिकुलर है। किडनी के डॉक्टर आप देखते हैं, किडनी का अगर फेलियर हो जाए तो डोज को कम करना पड़ता है, उस तरह से एडजस्ट करनी पड़ती है डोज, क्योंकि लिवर और किडनी की वजह से ही बाहर निकलती है दवाई, अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, बाहर निकलेगी ही नहीं, किडनी कंप्रोमाइज हो गई, तो उसमें हमें डोज एडजस्टमेंट करनी है। ये सारे जो तौर तरीके हैं ये डॉक्टर्स को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जो क्वैक की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो उन्हें तो पता चल गई चार एंटीबायोटिक, महंगी एंटीबायोटिक पता चल गई, कंपनी भी उनके पीछे लग जाती है फिर कि ये सबसे ज़्यादा सेल करा रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ वाले, तो वो भी वहाँ तक हर तरह की सुविधाएं देने लगते हैं। तो ये जो दुरुपयोग है इसको रोकने के लिए हम सब लोग सामने आ रहे हैं, आप सबको भी सामने आना है, दुनिया भर की चिंता इस पर है, इसीलिए वर्ल्ड सेप्सिस डे जो कल 13 सितंबर को मनाया जा रहा है वो हर वर्ष इसीलिए डिक्लेयर किया गया है। ग्लोबल सेप्सिस अलायंस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम लोग आप सबके माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। बाकी मैं हमारे बीच में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि हमारे लिए, हम ये कहें कि अगर क्रिटिकल केयर की सेवाएं पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए जो शुरू हो रही हैं, तो इसका सपना देखने वाले हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद सर हैं, हमारे टीचर हैं, और मैं कहूँगा कि टीचर ऑफ टीचर जी, तो मैं राजेंद्र प्रसाद सर से अनुरोध करूँगा कि वो आपको इस विषय में जो जागरूकता एक आम आदमी तक पहुँचनी है। पहले तो मैं आप सबको जो ये वर्ल्ड सेप्सिस डे के उपलक्ष में प्रेस वार्ता बुलाई गई है, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और जैसा आपने अभी सुना कि हर साल वर्ल्ड सेप्सिस डे जो है वो 13 सितंबर को मनाया जाता, तो वो कल है, और एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का जो इस ओकेजन पे, भाई शोर नहीं करो, जो इस ओकेजन पे जो CME ऑर्गेनाइज की गई है उसमें जरूर आए और अटेंड करें। कल के प्रोग्राम है, देखिए शोर मत करो, थोड़ी प्लीज, कल के प्रोग्राम हम लोगों का जो कल का दिन है वो डेडिकेटेड है सेप्सिस के प्रोग्राम के लिए। इसमें 7 सेशन यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें PGI, RML, KGMU और अन्य संस्थानों के, लखनऊ से जितने भी मेडिकल के संस्थान हैं, ज़्यादातर का इन्वॉल्वमेंट किया गया है। और कल दिन भर का कार्यक्रम वर्ल्ड सेप्सिस डे पे आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, अलग अलग विशेषज्ञों का पार्टिसिपेशन होगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब उसको भी कवर करें, कल के इवेंट को, एक बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है इस संबंध में, उसको भी कवर करेंगे। ये जानकारी मैंने दे दी क्योंकि प्रसाद सर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं कल के इवेंट के, और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात कहें सर। अब थोड़ा अगर आप लोग शांत रहें तो कुछ बताया जाए। देखिए हम तो हमेशा इस बात के रहे हैं कि मोटी मोटी बातें आपको बताई जाए कि ये डे क्यों मनाया जाता है।
अभी आपने सुन लिया कि सेप्सिस होती क्या है। अभी ये वर्ड बहुत पुराना नहीं है, कुछ ही सालों से निकल के आया है। सेप्सिस का मतलब होता है जब शरीर में किसी तरह का इंफेक्शन की शुरुआत होती है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, किसी भी तरह का इंफेक्शन। तो जो वो इन्फेक्शन अपने ही एक स्टेज पर ऐसा पहुंचता है कि अपनी ही वो बॉडी के इम्यून जितने सिस्टम है सबको वो डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए आपने देखा जो सेप्सिस का मरीज है उसमें मल्टी आर्गन फेलियर हो जाता है और आदमी को एडमिट होना पड़ता है। तो पहली बात ये इन्फेक्शन के जरिए ही होता है। जैसे अभी डॉक्टर का यूरोसेप्सिस, पल्मोनरी सेप्सिस, कोई भी पेट का, तीन ये बहुत कॉमन है कि ये इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन में एक स्टेज पर ऐसा होता है अपने ही जो शरीर के जो अंग हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है और मल्टी आर्गन फेलियर होता है। और ये कॉमन कॉज है डेथ का, मृत्यु के होने का ये एक रास्ता है। जैसा अभी वेद जी ने बताया कि लगभग 20 से लेके और 40-50% जिसको सेप्सिस हो गई उनमें मृत्यु दर है, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। तो आप इतना समझ में आ गया होगा सेप्सिस है क्या है? फिर इसका कारण आपके समझ में आ गया, जितने भी इन्फेक्शन है, चाहे वो लंग का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल, आपने कोविड में देखा जितने लोग मरे सब सेप्सिस की वजह से तो मरे काफी लोग, कि वो मल्टी आर्गन फेलियर में गए, कोविड हुआ, वायरल इन्फेक्शन था, मल्टी आर्गन फेलियर में गए, उसकी तो कोई दवा भी नहीं थी, तो लोग जो मरे और जिसकी इम्यूनिटी अपनी अच्छी थी वो लोग जिंदा निकल के आ गए। तो सेप्सिस का मतलब ये होता है। आप इसकी डायग्नोसिस नेचुरली अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो समझता है वो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी ने सवाल किया था अभी कि सेल्फ मेडिकेशन, नहीं, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और किसी ने एक सवाल और किया था कि इमरजेंसी में तो सेल्फ मेडिकेशन कभी अलाउ ही नहीं की जाती है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं, सेल्फ मेडिकेशन कभी कभी करते हैं अलाउ, जैसे अस्थमा का मरीज होता है तो उसमें हम लोग ट्रेन करते हैं मरीजों को, अगर तुम्हारी सांस की अटैक बढ़ जाए तो ये दवाई ले लेना, लेकिन फिर अस्पताल में आओ, फिर अपने घर मत रहो। तो वो बात हो गई। मैं जो आपको सबसे बड़ी बात ये करने वाला हूँ, इसका देखिए ना, इलाज महंगा है आपने सुन लिया, वेंटिलेटर, एंटीबायोटिक और डेथ बहुत ज़्यादा है, 20% से लेके 50% तक है। लेकिन बड़ी खुशी की बात क्या है, इसका रोकथाम संभव है। भाई हमारे देश में जहाँ गरीब मुल्क है कहा जाए, बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट नहीं हम लोग हैं, वहाँ पर चीज़ों को प्रिवेंशन में, आजकल देखिए सरकार भी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जा रही है, तो प्रिवेंशन आप जानना चाहेंगे ऐसा कौन कौन सा तरीका है जिससे ये सेप्सिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये हमारे ख्याल से आपके अखबारों के लिए बहुत बड़ा न्यूज होना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा ये सेप्सिस इन्फेक्शन से होती है, सारे इन्फेक्टेड से। तो सबसे पहले प्रिवेंशन क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन। आपने कोविड में देखा, कोविड रुका तो वैक्सीनेशन से ही रुका लगभग। तो ऐसे कोई भी निमोनिया का वैक्सीन लगता है, सारे इन्फेक्शन के वैक्सीन लगते हैं। तो पहला इशू है जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो कंट्री की पॉलिसी है उसको 10% लोगों को फॉलो करना चाहिए। लोग डरते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। उसके बाद क्या है, एक तो रोकथाम चाहिए, उसके बाद पानी, गंदा पानी या खराब पानी ना पिए, शुद्ध पानी पिए, वो बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत से इन्फेक्शन को रोकता है, जीआई पेट के सारे इन्फेक्शन को खराब पानी ही करता है।
दूसरा आपने सुना कोविड में हैंड हाइजीन, अरे भाई जब हाथ को साफ रखेंगे खाने के पहले करेंगे तो वो भी इन्फेक्शन को रोकेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा तो सेप्सिस को भी रोकेगा। उसके बाद आप जैसे अस्पताल में जाते हैं, अभी डॉक्टर वेद साहब ने बताया कि अभी बहुत से अस्पतालों में बहुत हेवी एंटीबायोटिक बहुत शुरू से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा इन्फेक्शन का कारण है लेडीज में गायनिक इन्फेक्शन, तो उसमें लिए हम लोग एक कहा गया है भाई जो सेफ डिलीवरी है वो भी बहुत से इन्फेक्शंस को रोकेगा। तो आपने मोटी मोटी बात क्या समझी, वैक्सीनेशन है, क्लीन वाटर है, हैंड हाइजीन है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन अस्पताल में ऐसा होना चाहिए, सेफ चाइल्ड बर्थ वो भी बहुत जरूरी है, सबसे लेकिन सबसे आखिर में जो जरूरी है वो आप लायक है, आपके लिए, क्योंकि आप समाज के सारी चीजें फैला सकते हो, अच्छा भी फैला सकते हो खराब भी फैला सकते हो। तो आपके लिए क्या है अवेयरनेस, जैसे आज ये क्यों वेद साहब यहाँ क्यों मीटिंग बुलाए हुए हैं, इसलिए बुलाए हुए हैं कि ये आपको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और वो अवेयरनेस थ्रू आपके, अरे भाई अवेयरनेस हम लोग कितने लोगों करा देंगे, अस्पताल में 2 मरीज 4 10 मरीज जितने मिलते हैं हम बताते हैं, आप तो एक मास मीडिया वाले हो ना, तो आप मास मीडिया के जरिए जैसे मैंने अभी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बताया ये बहुत जरूरी, इसका अवेयरनेस क्रिएट करना, तो ये अवेयरनेस आप क्रिएट, तो ये 6-7 विधि है जो रोकथाम के लिए वो हमारे जैसे देश के लिए बहुत कारगर है। मैं इसकी अपनी बाड़ी को यहीं विराम करता हूँ, एक बार मैं वेद को बधाई जरूर देता हूँ, ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट पहले यहाँ नहीं था, इन्होंने सही बताया ड्रीम किसी जमाने में हमने ही की थी और इसको इन्होंने कार्यान्वित किया और अब ये वर्ल्ड सेप्सिस डे इसलिए मनाया गया।